का पार्ट नंबर टू है, जिसमें अब हम लोग बात करेंगे फ्लूइड कंट्रोल के बारे में। तो फ्लूइड कंट्रोल आखिर है क्या? तो देखो, जब भी पानी हमारा ओवरफ्लो होता है, जो कि नॉर्मल ड्राई कंडीशन हमारा होता है ना, नॉर्मली जो ड्राई कंडीशन या जो नॉर्मल कंडीशंस होता है वाटर फ्लो का इन रिवर, है ना, रिवर में या रिवर के थ्रू जो पानी फ्लो करता है उसका जो नॉर्मल कंडीशन होता है उससे बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करने लगे तो उसे जो है हम लोग फ्लूड कहते हैं। तो उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमारी घर को, हमारे फसल को और हमारे जो इकोनॉमिक है उसे ये अफेक्ट करेगा। और टाइम टू टाइम ये हमेशा अफेक्ट करता ही है। अगर आप बिहार के साउथ रीजन में बिलोंग करते होंगे तो उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर आप नॉर्थ रीजन में बिलोंग करते हैं तो आपको बाढ़ की परेशानी हर साल झेलनी पड़ती होंगी। जैसे आपका मोतिहारी हो गया, गोपालगंज हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मधुबनी हो गया, तो ये सब तो ये सभी जो रीजन्स हैं, शिवहर वगैरह, तो ये सभी आपको जो है कोसी नदी और गंडक नदी के बीच का जो एरिया है या उसके आसपास का जो एरिया है उसमें बाढ़ हमेशा आता है, हर साल आता है। तो उससे जो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करता ही करता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो भारत है, उसमें फिर बिहार आता है तो बिहार को वो अफेक्ट करता है इनडायरेक्टली। वो जो है इंडिया को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि उस कंडीशन में आप बहुत सारे रीजन्स है, जैसे उसे उधर मेघालय वगैरह साइड में भी जो है आपका बाढ़ वगैरह आ जाता है, असम वगैरह में, तो वो भी हमारे लिए जो है दिक्कत क्रिएट करता है। तो इसलिए उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है विद रेगुलर इंटरवल के साथ। तो फ्लड अकर करने का तीन बेसिक का रीजन्स है या कारण्स है, या कह सकते हैं कि उसके आसपास देखने को मिलता है। तो रिवर के अलोंग है ना, उसके बाद स्ट्रीम या लेक्स के अलोंग, या और कोस्टल एरिया के अलोंग, और हमारा एल्यूवियल फैंस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे जो है बाढ़ की स्थिति डेवलप होती है और देखने को मिलता है। तो जो मेथड होता है हमें ताकि प्रिवेंट किया जा सके इफ़ेक्ट, जो फ्लूड वाटर के इफ़ेक्ट है उसको, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्लूड कंट्रोल मेथड्स। और जो जिसमें हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ फ्लूड वाटर और हाई वाटर लेवल को रिड्यूस करें, है ना, इफ़ेक्ट को रिड्यूस करें, तो फ्लूड रिलीफ मेथड होता है। और फ्लूड कंट्रोल वह होता है जो डिटर्मिनेटल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको रिड्यूस किया जाता है, तो फ्लूड कंट्रोल हमारा होता है। कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं जिसका प्रयोग करके फ्लूड को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला टेक्निक्स है वह है इंस्टॉलेशन ऑफ रॉक वर्म्स। ये रॉक वर्म्स क्या होता है कि ये क्या होता है कि आप देखते होंगे कि नदी जा रहा है तो नदी के किनारे किनारे, है ना, हम लोग जो है पत्थर रख देते हैं और उसका एक स्लोप बना देते हैं दोनों साइड्स में। तो ये क्या करता है कि जो मिट्टी होता है रिवर का उसको कटने से रोकता है। वही हमारा रॉक रिप्स भी वही उसी में हमारा आ जा, वो भी एक है। सैंड बैग, सैंड बैग्स क्या होता है कि आप देखे होंगे कि नदी के किनारे या जो है वहाँ पे बालू भरकर और बोड़ा में और उसको साइड में स्लोपिंग कर दिया जाता है। उसके बाद मेंटेनिंग नॉर्मल स्लोप विद वेजिटेशंस, जो मतलब पौधे वगैरह ग्रो करवा कर जो है हम लोग जो है स्लोप्स को मेंटेन करते हैं, ताकि क्योंकि घास वगैरह अगर स्लोप पे उगा हुआ रहेगा तो मिट्टी जो है वो कटेगा कम, और जब कम कटेगा मिट्टी तो जो डेप्थ होगा रिवर का वो मेंटेन रहेगा, और जब डेप्थ मेंटेन रहेगा तो हमारा फ्लूड कम आएगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ सॉयल सीमेंट ऑन स्टीप स्लोप्स, सॉयल सीमेंटिंग भी कर सकते हैं। एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ ड्रेनेज चैनल्स को भी जो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसके कारण से अगर चैनल्स को हम लोग ज़्यादा ड्रेनेज चैनल बना देंगे तो हमारा जो है फ्लूड को कंट्रोल किया जा सकता है। देखो यहाँ पे जो है ये पिक्चर्स आपको जो है नज़र आ रहा होगा, ये पिक्चर जो है आपका यही है ना, ये रॉक का जो है स्लोपिंग दिया जा रहा है, तो यही जो है आपका रॉक वर्म्स हो जाएगा। और एक और पिक्चर्स है, ये आपका जो है रिप रॉक हो जाएगा। ओके, ये जो पिक्चर्स है रिप रॉक का है। देन ये जो है सैंड बैग्स है, ये किनारे किनारे जो है या स्लोपी रीजन्स पे हम लोग जो है
बालू भर कर और बैग्स में मतलब बोड़ा में और उसको किनारे में लगा देते हैं, तो ये सैंड बैग्स आपका हो जाता है। फिर सॉइल सीमेंटिंग, ये है आपका, ये जो प्रोसेस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे ये प्रोसेस किया जा रहा है, ये आपका जो है सॉइल सीमेंटिंग है ना। मतलब जो है क्लान कैनाल जो है उसको जिस तरीके से लाइन किया जाता है उसी तरीके से जो है इसका सीमेंटिंग करके जो है लाइन कर दिया जाता है, रिवर्स को भी, रिवर्स का जो स्लोप होता है उसको, जिसके कारण से जो सॉइल का बैक पार्ट होता है उसको कटाई नहीं काट नहीं पाता है रिवर के धार, इसलिए जो है ये बनाया जाता है। फिर साथ ही साथ वेजिटेशन भी हम लोग जो है ग्रो कर देते हैं, ये इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा रिवर है वो जो उसका जो पानी है वो फ्लो हो, तो इस तरीके से कट कर ढह नहीं जाए, है ना। अगर ये वेजिटेशन कम रहेगा तो ये कट जाएगा, रिवर का जो पानी का फ्लो रहेगा उसके कारण से, तो इसीलिए जो है पेड़ पौधे उगाए जाते हैं ताकि थोड़ा कम मिट्टी कटे बट थोड़ा कम कटे, उसका जो रेट होता है वो कम हो जाता है। ओके, अगर हम लोग बात करें फ्लोड कंट्रोल के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हम लोग बना सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग रेगुलेटर्स का यूज़ करते हैं, डाइवर्जन स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपग्रेडिंग सीवरेज सिस्टम बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, डेक्स बनाते हैं, कनाल बनाते हैं, रन ऑफ स्टोरेज बनाते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसको बनाकर हम लोग जो है जो हमारा फ्लूड आ रहा है यानी जो बाढ़ आ रही है उसे हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। फ्लूड प्लेन क्या है? तो एक ऐसा रीजन होता है लैंड का जो एडजेसेंट होता है टू द स्ट्रीम और रिवर विच स्ट्रेचेज फ्रॉम द बैंक ऑफ इट्स चैनल टू द बेस ऑफ द इंक्लोजिंग वैली वॉल्स, जो वैली का वॉल्स होता है उसको, और उसको बैंक के अलोंग उसको जो है स्ट्रेच करते हैं, विच एक्सपीरियंसेस होल्डिंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई डिस्चार्ज। और ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो पानी हाई अमाउंट के हाई डिस्चार्ज के साथ आ रही है ना, उसे कम किया जा सके, क्योंकि हाई डिस्चार्ज के साथ आ रहा है तो लैंड का जो एरिया है जो बैंक है उसे जब हम लोग घसका कर थोड़ा फैला दें, रिवर का विड्थ को बड़ा कर दें, तो इसका मतलब है कि पानी आराम से चला जाएगा उस के थ्रू, तो इसलिए जो हम लोग ये करते हैं। फ्लूड प्लेन इज द नॉर्मली ड्राई लैंड एरिया एडजॉइनिंग रिवर्स स्ट्रीम्स लेक्स वेज ओवर और एशियंस डैट इज इनवेटेड ड्यूरिंग फ्लूड इवेंट्स। और इसको हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि जब फ्लूड का इवेंट्स आए यानी बरसात के दिन आए तो उस दौरान इसका हम लोग एक्सपैंड करके जो रिवर का डिस्चार्ज है उसे कम किया जाए। मतलब हाई अमाउंट के साथ डिस्चार्ज तो हो रहा है तो वो तो उतना ही होगा, बट उसका जो रेट है उसे घटा दिया जाए, क्योंकि अगर नैरो पाथ में अगर डिस्चार्ज कराएंगे तो वो ज़्यादा प्रेशर के साथ जाएगा, और वही अगर विड्थ एरिया जो है हम लोग मतलब जो वाइड है वो ज़्यादा कर दें तो उसका जो डिस्चार्ज है होगा उतना ही, क्योंकि एरिया इनटू वेलोसिटी होगा, लेकिन जो उसका रेट होगा ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि फ्लूड का वे ये है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये इतना दूर में रिवर है, फ्लूड मतलब जब भी आएगा बारिश तो इतना ही दूर में आएगा। ओके, लेकिन फ्लूड प्लेन जो है हम लोग पूरा लेकर चलते हैं, पूरा जितना दूर तक हम लोग उसको पानी को जा सकता है हमारा फैल कर या फिर उसको फैला सकते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। फ्लूड प्लेन इज डिवाइडेड इन टू फ्लूड बे एंड फ्लूड फ्रेंज। फ्लूड प्लेन जो है दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट में, एक फ्लूड बे और एक फ्लूड फ्रेंज। फ्लूड बे इट इज़ द चैनल ऑफ द रिवर और स्ट्रीम एंड द एडजेसेंट लैंड that must remain free from obstruction so that the 100-year flood can be conveyed downstream। ये जो फ्लूड वे है ये हम लोग उस रीजन को लैंड का बनाते हैं, रिवर्स के एरिया का मतलब बगल के एरिया का, जिसे
पूरी तरीके से खाली करते हैं, पूरी तरीके से वो खाली रहता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाढ़ की स्थिति में वो काम आए कम से कम 100 सालों तक। और फ्लूड फ्रिंज जो है ये वह रिमेनिंग पोर्शन होता है फ्लूड प्लेन का जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार बनाया जाता है, जिसमें टेम्पररी कोई भी वर्क कर सकते हैं बट परमानेंटली उसमें वर्क नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर्स वगैरह अगर हमें बनानी है तो उसमें टेम्पररी तौर पे बनाएंगे, परमानेंटली नहीं बनाएंगे। काउजेज क्या हैं हमारे फ्लूड का? तो सबसे पहला काउज है कि हैवी प्रिसिपिटेशंस होता है यानी रेनफॉल बहुत ज़्यादा होने के कारण, एंड सीवरेज विंड ओवर वाटर्स, अनयूजुअल हाई टाइड्स, सुनामी, फेल्यूर ऑफ डैम्स, लेव्स, रिटेंशन पॉन्ड्स, अदर स्ट्रक्चर्स डैट कंटेंट द वाटर, इन सभी के फेल्यूर के कारण भी हमारा फ्लूड आता है। फ्लूड को कंट्रोल करने का जो मेथड है वो इंक्लूडेड है, सबसे पहला है मान लो प्लांट वेजिटेशन टू रिटेन एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा वाटर को रिटेन करने के लिए प्लांट वेजिटेशन करना, ट्रेसिंग हिल साइड्स टू स्लो फ्लोड डाउन हिल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोड वे मैन मेड चैनल टू डाइवर्ट फ्लूड वाटर, है ना, फ्लूड वाटर को डाइवर्ट करने के लिए हम लोग मैन मेड स्ट्रक्चर्स जैसे कनाल्स वगैरह बनाएंगे, अदर टेक्निक्स डैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेव्स, डिक्स, डैम्स, रिजर्वायर्स और रिटेंशन पॉन्ड्स टू होल्ड एक्स्ट्रा वाटर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ फ्लूडिंग, जिस समय फ्लूड है उस समय इन सभी स्ट्रक्चर्स का प्रयोग किया जा सके और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एक जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसे होल्ड किया जा सके, रखा जा सके। स्ट्रक्चरल अल्टरनेटिव्स, द मेजर टाइप्स ऑफ फ्लूड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर रिजर्वायर, डाइवर्जन, स्लीव्स और डिक्स, चैनल मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहला है फ्लूड कंट्रोल रिजर्वायर। फ्लूड कंट्रोल रिजर्वायर आर यूज टू स्टोर फ्लूड वाटर फॉर रिलीज आफ्टर द फ्लूड इवेंट्स, रिड्यूसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ पीक डिस्चार्ज। पीक डिस्चार्ज जो होता है हमारा उसके मैग्नीट्यूड्स को कम करने के लिए जो है हम लोग फ्लूड कंट्रोल रिजर्वायर का प्रयोग करते हैं, ताकि वो जो फ्लूड के वाटर्स है उसे वो स्टोर कर सके, होल्ड करके रख सके। रिजर्वायर्स मॉडिफाई द फ्लूड फ्लो फ्रीक्वेंसी कर्व विच इज़ लोअर्ड बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ पीक डिस्चार्ज ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट। स्पेसिफिक टाइम पे उसका जो डिस्चार्ज है उसे कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। रिजर्वायर रिड्यूस डैमेज बाय रिड्यूसिंग डिस्चार्ज डायरेक्टली। जो भी रिजर्वायर के थ्रू हमारा डिस्चार्ज हो रहा है वाटर का, उसे के थ्रू जो डैमेज होगा घर का या फसलों का उसे कम किया जा सके। अ रिजर्वायर इज वेल सुटेड फॉर डैमेज रिडक्शंस इन द फॉलोइंग केसेस सच एज डैमेजेबल प्रॉपर्टीज इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द रिजर्वायर साइट विद सेवरल रिमोट डैमेज सेंटर्स एंड रिलेटिवली स्मॉल लोकल इनफ्लो एरिया के बीच में ये जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर कोई किसी एरिया में रिवर्स फ्लो कर रही है और उस एरिया में फ्लो करते हुए वो क्या कर रहा है कि उसके एरिया में कुछ है ही नहीं तो वो ज़्यादा लॉस नहीं करेगा, बट वैसे एरिया जहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा क्राउड ही मिलेगा तो वहाँ पे वो ज़्यादा लॉस करेगा। अ हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन विद लिटिल रेसिडुअल डैमेज इज डिजायर्ड। अ वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज is to be protected. Water impounded may be used for other purposes including water supply, hydropower and recreation. जो हम लोग रिजर्वायर बनाते हैं उसका प्रयोग हम लोग वाटर सप्लाई, हाइड्रो पावर एंड रिक्रिएशन के लिए भी कर सकते हैं जो रिजर्वायर बना है उसका। Sufficient real estate is available for locations of reservoir at reasonable economic, environmental एंड सोशल कॉस्ट। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द डैमेजेबल प्रॉपर्टीज प्रोटेक्टेड
विल जस्टिफाई द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रिजर्वायर। तो ये सभी टर्म्स हैं जिसका यूज़ करके आप बेहतर कर सकते हैं और अपने फ्लूड को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।